नमस्ते, मैं हूं संजय। आप देख रहे हो ओके कार सर्विस। आज जो दिखाने जा रहा हूं ग्रैंड हुंडई ग्रैंड आई 10 स्टार्टिंग प्रॉब्लम। सम टाइम स्टार्ट हो रहा है, सम टाइम नॉट स्टार्ट हो रहा है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है आप क्लस्टर में देखिए तो थोड़ा सा मालूम पड़ जाएगा। देखिए एक्सीलेटर करने से इसका जो आरपीएम काटा कभी कभी शो कर रहा है, कभी कभी नहीं शो कर रहा है। देखिए इतने टाइम बाद इसका आरपीएम काटा शो कर रहा है। तो इससे थोड़ा मालूम पड़ जाता है इसका क्रैंक सेंसर में कोई वायरिंग में कुछ दिक्कत होगा। तो ये देखने वाला हूँ कि उस इसका क्रैंक सेंसर में दिक्कत है न वायरिंग में न ईसीएम में। जरा देखिए पहले इसका क्रैंक सेंसर का वायरिंग चेक करेंगे, उसके बाद मालूम पड़ेगा इसका सेंसर में दिक्कत है न वायरिंग में दिक्कत है न ईसीएम में दिक्कत है। तो इसका दो पिन है, दो पिन का क्रैंक सेंसर में है। तो इसमें 5 वोल्ट आएगा दोनों पिन में, एक में ग्राउंड एक में 5 वोल्ट, ठीक है, सिग्नल वायर में। तो ये देखने वाला हूँ इसमें क्या क्या ठीक से आ रहा है क्या। देखिए इग्निशन ऑन टाइम में कोई कुछ रीडिंग नहीं शो कर रहा है, ठीक है। देखिए इसका नेगेटिव ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल वायर में कुछ नहीं शो कर रहा है। देखिए सिग्नल वायर देखिए क्या हो रहा है। इस तरफ देखा एक कपलर के इस तरफ मल्टीमीटर के इस तरफ देखा, इसमें कोई 5 दिखा रहा है, कोई 5 वोल्ट नहीं शो कर रहा है। तो इससे थोड़ा मालूम पड़ जाता है इसके वायरिंग में कोई दिक्कत होगा नहीं तो इससे इसी में दिक्कत होगा। तो वायरिंग का दिक्कत होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा, इससे जो जिस वायर में कोई वोल्टेज नहीं शो कर रहा है यहाँ से ईसीएम तक कॉन्टिन्यूटी चेक करना होगा। कॉन्टिन्यूटी ठीक से दिखाई देगा तो मालूम पड़ जाएगा वायरिंग सही है, नहीं तो ईसीएम में दिक्कत है, ठीक है। मैं पहले डायग्नोसिस कर लिया हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए। तो इसका ईसीएम में दिक्कत है तो इसका ईसीएम रिप्लेस करने से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समटाइम स्टार्ट हो रहा है, समटाइम नॉट स्टार्ट हो रहा है। अंदर में चलिए दिखा रहा हूँ। देखिए इसका आरपीएम कोई नहीं शो कर रहा था। देखिए एक्सीलरेटर करने से इसका आरपीएम नहीं काम कर रहा है, इसलिए कभी कभी स्टार्ट हो रहा है, कभी कभी नहीं स्टार्ट हो रहा है। ओके, गुड बाय।